हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ पपाया मिल्कशेक की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। पपाया मिल्कशेक बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्थी होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पपाया मिल्कशेक बनाने के लिए 150 ग्राम पील किए पपीते लिए हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक मीडियम साइज पपीते की एक स्लाइस एक ग्लास पपीता मिल्कशेक के लिए इनफ है। और थोड़े से क्रश किए हुए ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, यानी काली मिर्ची का पाउडर, जिसको गार्निश में यूज़ करेंगे। 3 टेबल स्पून चीनी ली है। आप चीनी की जगह हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अगर कम मीठा पसंद है तो चीनी थोड़ी सी कम ऐड कर लीजिए। क्रश किए हुए पिस्ता और बादाम लिया है, जिसको गार्निश में यूज़ करेंगे। 300 ml ठंडा दूध लिया है। अब ग्राइंडर जार में पपाया ऐड करेंगे। जब भी आप कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं तो जो हैवी चीज़ है उसको ग्राइंडर जार में सबसे पहले डालना है ताकि वो स्मूथली और इजीली ग्राइंड हो जाए। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब दूध ऐड कर देंगे। पपीते को दूध के साथ स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। अब दूध और चीनी के साथ पपाया को 1 मिनट के लिए स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे ताकि स्मूथली मिल्कशेक बन जाए। पपाया मिल्कशेक बनाना बहुत ही इजी और क्विकली है, उसके साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। दूध और चीनी के साथ पपाया को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें 3 से 4 आइस क्यूब ऐड करेंगे। उसके बाद दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारा पपाया मिल्कशेक थोड़ा सा ठंडा हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अगर आप हनी का यूज़ करते हैं तो ग्राइंड करने के बाद ही ऐड करना है। आइस क्यूब मिलाने के बाद पपाया मिल्कशेक को 30 से 40 सेकेंड के लिए स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे ताकि उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और उसके बाद क्विकली ठंडा ठंडा सर्व कर देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो अब हमारा पपाया मिल्कशेक बनकर तैयार है। अब इस पर क्रश ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची और ड्राई नट से गार्निश कर लेंगे। गार्निश करना ऑप्शनल है, अगर आप गार्निश करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप गार्निश को स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।